हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? आज है जन्माष्टमी और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप सब जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कुछ पिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी। ये देखिए मेरे किशन का जो कन्हैया जो है उल्टी बांसुरी बजा रहे हैं। आपने कभी कृष्ण जी को उल्टी बांसुरी बजाते हुए देखा है? मेरे कन्हैया जी उल्टी बांसुरी बजा रहे हैं, ये देखिए वो भी चक चक के। तो आप सब जन्माष्टमी में क्या क्या कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, और मैंने क्या क्या किया ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए जो है मैंने कान्हा जी को अच्छे से तैयार कर लिया है, और अपना रूम भी भगवान जी का मंदिर भी डेकोरेट कर लिया है। थोड़ा सा ही डेकोरेट किया, ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि इस बार मैं अकेली थी। सरता की शादी हो गई, आप लोग जानते ही हैं, तो हमेशा से वो रहती थी तो हेल्प कर देती थी, पर इस बार जो है मैं अकेले जो भी किया मैंने अकेले किया। ये देखिए मैंने रूम सजाया, उसकी भी आपको वीडियो दिखाई है। ये देखिए मैंने जितना भी कर पाया उतना किया है अच्छे से, और मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं और खाना भी मैंने बना लिया है। और ये देखिए मेरे भगवान जी का मंदिर बिल्कुल तैयार है और बाकी सारी चीज़ें रेडी। अभी प्रसाद कट करना मुझे बाकी है तो मैं अभी करूँगी प्रसाद कट। और आप सब जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए भगवान जी को नहलाने की सारी सामग्री मैंने रख ली है, घी, शहद, पंचामृत, दूध, दही, उनके कपड़े और सभी कुछ। और भगवान जी का झूला देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जो भी मैं कर पाई मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। और ये देखिए मैंने रंग पैरों में रंग वंग भी लगा लिया है। और ये देखिए अब मैंने प्रसाद वरसाद कट कर लिया है, पूरी फुल तैयारी हो गई है और अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। और बच्चे भी जो है बिल्कुल फाइनल रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये देखिए चलिए करते हैं पूजा और नहलाते हैं कान्हा जी को पंचामृत से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंचामृत में मैंने शहद डालना भूल गई थी इसलिए जो है मैंने शहद भी मिला दिया है। और आप सभी जो है भगवान जी को कैसे नहलाते हैं, जो उनकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और मैं अभी बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो भी आ जाए और कान्हा जी को वो भी नहला दे। देखिए सब लोग आ चुके हैं, फुल रेडी हैं, और किशन कन्हैया को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए ये देखिए किशन कन्हैया आ गए, काफ़ी बड़े किशन कन्हैया हैं। ये देखिए हाँ बा बहुत। तो चलिए अब करते हैं कान्हा जी का श्रृंगार। और देखिए मैंने उनको सुंदर सुंदर से कपड़े पहना दिए हैं और अब उनका श्रृंगार कर देंगे, उसके बाद करेंगे आरती हम लोग। तो चलिए सभी मिलकर करते हैं आरती और करते हैं भगवान की अर्चना। ये देखिए
तो देखिए सबने मिलके आरती कर ली है और चलिए चलते हैं, झुलाते हैं भगवान जी को झूला। और ये देखिए मैंने झूला झुला दिया है, अब सब लोग जो है मिलके झूला झुलाएंगे कान्हा जी को और जो है अपना व्रत संपन्न करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके दीदी लोग घर चली जाएंगी। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी